शुक्रवार को नेपाल में बड़ा हादसा हो गया। मध्य नेपाल में मदन आश्रित हाईवे पर भूस्खलन हो गया, जिसकी वजह से लगभग 63 यात्रियों को ले जा रही दो बसें त्रिशूली नदी में बह गई। दोनों बसों में ड्राइवर समेत कुल 63 यात्री सवार थे। मुख्य जिला अधिकारी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक दोनों बसों में ड्राइवरों समेत कुल 63 यात्री सवार थे। भूस्खलन की वजह से बसें सुबह करीब 3:30 बजे नदी में बह गई। उन्होंने कहा कि हम घटनास्थल पर टीम के साथ हैं और तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। लगातार बारिश के कारण लापता बसों की तलाश में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि इन दिनों नेपाल में मूसलाधार बारिश हो रही है। इस घटना पर नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने एक्स पर ट्वीट करके दुख जताया। उन्होंने कहा कि बस के बह जाने की वजह से 5 दर्जन यात्रियों के लापता होने की रिपोर्ट और देश के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ और भूस्खलन की वजह से संपत्तियों के नुकसान से मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ।